Hello and welcome back. अब लेते हैं कुछ examples from the topic set. Question दिया है, write the following sets in the roster form. सबसे पहला जो set A है, वो दिया हुआ है set of all factors of 24. 24 के हमें सारे factors लिखने हैं. So let's see set A में कौन से elements आएंगे. तो the factors of 24 are 1. फिर आएगा 2, then 3, 4, 24 5 का मल्टीपल नहीं है, then you have 6, फिर 7 नहीं आएगा, 8, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 भी नहीं, 12, and आखिर में आएगा 24. So these are the factors of 24. अब दूसरा पूछा गया है सेट बी, देखें क्या दिया है. सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. तो हमें ये सारे लेटर्स लिखने हैं इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. तो पहले आएगा टी, फिर आर, फिर आई, देन जी, फिर आएगा ओ, देन N. अब O तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, फिर M, then E, अब E के बाद T, T is already existing, फिर R, R भी existing है, and आखिर में आएगा Y. So these are the set, or this is the set of letters in the word trigonometry. नेक्स्ट पूछा गया है सेट सी, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70. तो सेट सी के एलिमेंट्स होंगे तो प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70. तो 53, 54, 55, 56 नहीं, 57 भी नहीं, 58 भी नहीं, 59, then 60 नहीं आएगा, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ये तो नहीं आएंगे, 67, 68 नहीं, 69 भी नहीं. So these are the prime numbers between 50 and 70. अब set D देखते हैं क्या दिया है. सेट डी दिया गया है सेट ऑफ ऑल द मंथ्स हैविंग 30 डेज. अब जैन नो, फेब भी नहीं आएगा, मार्च भी नहीं आएगा, इट विल स्टार्ट विद अप्रैल. सो अप्रैल, देन मई नहीं आएगा, देन इट विल बी जून. जुलाई अगस्त 31 डेज होते हैं, फिर आता है सितंबर, then October will be 31, तो 30 days चाहिए, then it will be November. So these are the months having 30 days. अब next example देखते हैं. Set E दिया हुआ है यहाँ पर. Set of all integers between -3/2 and 11/2. -3/2 ये होता है -1.5 and 11/2 that will be 5.5. तो ये सारे integers इनके जो between आते हैं वो हमें लिखने हैं. Okay, तो set E में जो elements आएंगे वो होंगे -1, then 0, 1, 2, 3, 4 and 5. तो ये सारे elements जो है they lie between, these are the integers between -1.5 and 5.5. so 3/2 को हम लिख सकते हैं, -3/2 को हमने लिखा -1.5 and 11/2 को हमने लिखा as 5.5. so these are the integers between these two numbers. अब next पूछा गया है set of all the consonants before the letter K. So A, B, C, D, E, F, G, H, I, J and K के पहले सारे consonants लिखने हैं. तो A, E,
ये तो हो गए हमारे वॉवल्स, तो बाकी जो रह गए वो है कॉन्सोनेंट्स। तो सेट एफ के जो एलिमेंट्स हैं वो है बी सी डी एफ जी एच एंड जे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सेट इन द रोस्टर फॉर्म।